Assalamualaikum, once again, welcome back to my channel Brain Gain. We are dealing with FSC Part 1 Maths and Exercise 4.3, and we have discussed earlier two methods to solve such equations, and with the radical sign, that is under root, and now we're discussing the method number 3. ठीक है, इससे रिलेटेड से मेथड, इस मेथड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है हम उसको आज के वीडियो में करने लगे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जैसे कि आपके सामने में लिखा हुआ है, और इसे हम सॉल्व करना शुरू कर दें। सबसे पहले तो मैं ऐसे करूंगा कि इसे अंडर रूट 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 7 माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 5 लिख दूंगा। ठीक है, अब मुझे इस अंडर रूट को खत्म करने के लिए मैं दोनों साइड होल का स्क्वायर लेता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट 2x प्लस 8 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 5 होल का स्क्वायर। इसको अंडर स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो आपके पास 2x प्लस 8 रह जाएगा। इधर आके पास a माइनस b होल का स्क्वायर से हम फार्मूला ओपन करेंगे, 7 का स्क्वायर 49 प्लस एक्स प्लस 5, ठीक है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर एंड माइनस 2ab, 2 7 14 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 5। ठीक है, अब ऐसे करें आप लोग के ना इस सारी चीज को इधर लेके चले जाएं, ठीक है, ये एक्सेप्ट द अंडर रूट एक्सप्रेशन। ठीक है, तो मैं 2x प्लस 2x और ये वाला x इधर आके माइनस होगा, तो इधर x रह जाएगा प्लस 48 14 प्लस 8 प्लस 49 प्लस 5 जो है ये हो जाएगा आप लोगों के पास 54, 54 में से 8 जाएगा तो आप लोगों के पास 66 ऑलबन रह जाएगा, नहीं 46, यानी कि दैट विल बी एक्स माइनस 46 और इज इक्वल टू माइनस 14 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 5। ठीक है, अब दोबारा दोनों साइड हम स्केयर लेते हैं, एक्स माइनस 46 होल का स्केयर इज इक्वल टू माइनस 14 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 5 होल का स्केयर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर, 46 का स्केयर आप लोगों के पास हो जाएगा आई थिंक सो 2116 और माइनस 2ab और 46 का से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 12 इंटू 4 8 92 x। ठीक है, और इधर ये इज इक्वल टू माइनस का स्केयर पॉजिटिव हो जाएगा, 14 का स्केयर विल बी गेटिंग यू 196 और x प्लस 5 का अंडर रूट का स्केयर विल गेट यू x प्लस 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2116 माइनस 92x इज इक्वल टू 196x प्लस 196 इंटू 5 विल गेट यू 980। ठीक है, अब मैं इस सारी चीजों को थोड़ा सा वो करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 92x और माइनस 196x और प्लस 2116 एंड माइनस 980 इज इक्वल टू 0। तो ये आप लोगों के पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 92 एंड 196 विल गेट यू लाइक 288x एंड प्लस 2116 माइनस 980 विल गेट यू प्लस 1136 इज इक्वल टू 0। Now we are going to solve it little bit further more. 1136 को हम लिख सकते हैं as first let me create the boundary. Okay, now I can write 1136 as the multiplication of 284 and 4. Okay, so that will be x square minus 284x minus 4x प्लस 1136, ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी इज इक्वल टू 0 और x कॉमन लिया तो x माइनस 284 और माइनस 4 कॉमन लिया तो x माइनस 4 2 8 33 में से 4 8 32 और बाकी 16 के लिए 4 16। तो आपने देखा है किस तरह से दोनों में से कॉमन लिया मैंने x माइनस 284 और बाकी रह गया x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इससे मुझे क्या रूट मिलेगा, x इज इक्वल टू 284 और इससे मुझे क्या रूट मिलेगा, x इज इक्वल टू 4। तो आपने देखा हमने कितनी आसानी के साथ x के रूट्स निकाल लिए। ठीक है, इससे
इक्वेशन के रूट्स निकाल लिए, एक्स की वैल्यूज इस इक्वेशन के रूट्स हैं। अच्छा अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। यस क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज फॉलोइंग द सेम मेथड लाइक दिस, 3x + 4 अंडर रूट इज इक्वल टू 2 + अंडर रूट 2x - 4 होल का स्क्वायर, सॉरी नो यस 2x - 4 अंडर रूट, ओके होल का स्क्वायर हम बाद में ले लेंगे। अब मैं दोनों तरफ होल का स्क्वायर अगर लूं तो 3x + 4 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 + अंडर रूट 2x - 4 होल का स्क्वायर, इसे मैं करूंगा तो ये हो जाएगा 3x + 4 इज इक्वल टू a का स्क्वायर + b का स्क्वायर और + 2ab, और ये 3x + 4 इज इक्वल टू 4 + 2 है, ये आप लोगों का हो जाएगा 4 कट जाएगा 2x + 4 इंटू अंडर रूट 2x - 4, ये 2x उधर जाके माइनस हो गया तो x + 4 आपके पास लेफ्ट रह जाएगा इज इक्वल टू 4 × 2x - 4, ठीक है। तो इसका मैं क्या करूंगा, x + 4 ये आप लोगों के पास रह जाता है, और उधर से ये मैं दोनों का दोबारा स्केयर लूंगा, x + 4 होल का स्केयर इज इक्वल टू 4 × √2x - 4 होल का स्केयर, ये आप लोगों के पास x² + 16 + 8x इज इक्वल टू इधर 4 का स्क्वायर 16 और अंडर रूट खत्म होगा तो 2x - 4, ये आप लोगों के पास x² + 8x + 16 इज इक्वल टू 16 × 32x -16 × 4 = 64, और ये आप लोगों के पास x² + 8x + 32x इधर आके माइनस होगा तो ये माइनस का 24x रह जाएगा, माइनस का 24x प्लस 16 और माइनस प्लस का 64 दैट विल लेट यू 80, इज इक्वल टू 0। ये आप लोगों के पास इक्वेशन बन गई x² - 24x + 80 इज इक्वल टू 0। अब मुझे इसके 80 के कैसे रूट्स बनाएंगे, 24 ठीक है 80, तो x² - 4x - 20x और +80 इज इक्वल टू 0। लेट मी क्रिएट द बाउंड्री, और इसके बाद मैं x पहली दो टर्म्स में से कॉमन लूंगा तो x - 4, -20 कॉमन लूंगा तो तब भी x - 4, ओवरऑल कॉमन x - 4, और बाकी रह गया x - 20 का एक्सप्रेशन। इट इज अ लॉन्ग प्रैक्टिस वी हैव डन सो फार, तो ये यहां से आपको रूट मिल जाएगा x = 4 और यहां से आपको रूट मिल जाएगा x = 20, ठीक है। और सॉल्यूशन सेट भी लाजमी लिखा करें, मैंने पिछले काफी लेक्चर्स में शायद ना लिखा हो, तो ये 4 और 20, ठीक है। और इस तरह से तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इज लाइक x + 7 + x + 2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 6x + 30 √13, और ये अंडर रूट और ये होल का स्क्वायर। आई डोंट नो क्वेश्चन में लिया हुआ है या मेरे नोट्स में ऐसे लिखा हुआ है। चले अगर ये ऐसी भी क्वेश्चन होती स्केयर के बगैर तो हमारा पहला स्टेप क्या होना था, हमने स्केयर ही लेना था। तो अभी हम इस तरफ चलते हैं, तो ये a का स्केयर x + 7 + b का स्केयर x + 2 + 2ab, ठीक है, 2 × √a + b डेट इज x + 2 × x + 7 अंडर रूट वाली चीजें अंदर मल्टीप्लाई हो, इधर आपके पास ये 6x + 13 रह जाएगा। ये आप लोगों के पास 2x + 7 + 2 9 + 2, ये अंडर रूट के अंदर जो मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या रह जाएगा x² + 9x और +14 = 6x + 13,
यही चीज मैं इससे लिखता हूँ, तो ये मेरे पास 6x में से 2x जाएगा तो 4x, और 13 में से 9 जाएगा तो 4 रह जाएगा आप लोगों के पास 13 में से 9। और ये वाली चीज जो है इस तरफ, ये सारी चीजें मैं उस तरफ ले गया और फिर मैं लिखी है। अब इस साइड पे रह जाएगा 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू के इस तरफ लिखा हमने, ठीक है। और अगर मैं इस में से 2 कॉमन लेके 2x प्लस 2 कर लूं, और इधर ये 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 लिख दूं, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल, ठीक है। अब मैं दोनों तरफ दोबारा स्क्वायर लूंगा तो 2x प्लस 2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 होल का स्क्वायर, ये आप लोगों के पास आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 2ab से क्या बनेगा 2 × 4, 4 × 8x, ठीक है, इज इक्वल टू ये आप लोगों के पास x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर अंडर रूट आपस में कैंसिल होने जा रहे और प्लस 40। अब जब मैं इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करूंगा 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 4, पहले x को कर लेते हैं, प्लस 8x माइनस 9x विल गेट यू माइनस का x प्लस 4 एंड माइनस 14 विल गेट यू माइनस का 10, राइट, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब ये मैं 10 की किस तरह से कर सकता हूं, 10 इज लाइक और ये 10 दीजिए 30 की, बल्कि 6 × 5 = 30, तो ये 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देन आई एम हैविंग लिटिल बाउंड्री, सो पहली दो टर्म्स जैसे मैं 3x कॉमन लू बाकी रह गया x माइनस 2, दूसरे में जब 5 कॉमन लू तब भी x माइनस 2 रह गया। अब इन पूरी टर्म में से मैं x माइनस 2 कॉमन लूंगा तो बाकी मेरे पास 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और इससे मुझे क्या मिलेगा x इज इक्वल टू 2, और इससे मुझे क्या मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस 5/3, ठीक है। हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लिया and you have to write your answers in the solution set. अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में x स्क्वायर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 इज इक्वल टू अंडर रूट 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। अच्छा, इसको आप ना उस तरीके से भी कर सकते हैं जो अभी हम पीछे करते आए कि हम स्क्वायर ले लें और ओपन करते जाएं टर्म्स को, बट मेरी जेन में ना एक और थोड़ा सा ख्याल आ रहा है, शुड वी डू दैट, ओके। तो हम ऐसे करेंगे कि ना मैं इन सबको देखता हूं कि शायद ये अंदर वाली चीजें जो है ना फैक्टराइज हो जाएंगी, तो x स्क्वायर प्लस 2x अंडर रूट पहले जो अंडर रूट के अंदर टर्म्स है मैंने x प्लस 3 और x माइनस 1, आप दूसरे तरीके से करके देखिएगा, और प्लस इस वाले को मैं लिख सकता हूं x प्लस 8 अंडर रूट x प्लस 8 एंड x माइनस 1, और इसके अंदर मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 5 इंटू x प्लस 4 x माइनस 1। नाउ व्हाट यू सी दैट मैं इसे लिख सकता हूं अंडर रूट एक्स प्लस 3 एंड अंडर रूट एक्स माइनस 1, पर इसे मैं लिख सकता हूं
एक्स प्लस एट अंडर रूट और अंडर रूट एक्स माइनस वन, और ये वाली चीजें जा के माइनस हो जाएगी, तो मैं इसे लिख सकता हूं अंडर रूट फाइव इंटू एक्स प्लस फोर, सॉरी फॉर दिस लाइन, अंडर रूट एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो. सो व्हाट यू आर सीइंग दैट एक्स माइनस वन इज कॉमन एवरीवेयर. लेट मी टेक कॉमन अंडर रूट एक्स माइनस वन फ्रॉम ऑल रूट्स. ठीक है, इसके बाद पीछे रह जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस थ्री प्लस अंडर रूट एक्स प्लस एट माइनस अंडर रूट फाइव इंटू एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो मैं अंडर रूट अगर एक्स माइनस वन को जीरो के बराबर लूं तो इससे मुझे क्या मिलेगा, दिस विल गेट मी दैट, दोनों तरफ अगर मैं स्केल लूं तो ये एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा और x इज इक्वल टू वन. रिमेंबर दैट कि आपने एक रूट निकाल दिया अपना. ठीक है, अब मैं इसे एक रूट को रेज कर रहा हूं जो मैंने निकाला है, बाकी हमारे पास ये वाला पार्ट रह जाएगा. ठीक है, इसको भी मिटा देना, क्या अब ये ना कहें कि अंडर रूट एक्स माइनस वन किधर गायब हो गया. मैंने आपको बता दिया, वो हमने यूटिलाइज कर लिया, उससे हमने एक रूट निकाल लिया कि एक्स इज इक्वल टू वन एक रूट है हमारे पास. चले आगे चलते हैं. इसके बाद मेरे पास जो बन जाता है पार्ट ये है कि मैं इसको ऐसे सॉल्व करूंगा, एक्स प्लस थ्री अंडर रूट प्लस अंडर रूट एक्स प्लस एट इज इक्वल टू फाइव इंटू अंडर रूट एक्स प्लस फोर. अब मैं इसका वो स्केयर वाला काम करता हूं. नाउ आई एम टेकिंग गोइंग टू टेक अ स्केयर और अंडर रूट एक्स प्लस थ्री प्लस, अच्छा यही ऐसे करते हैं, इधर रेस कर देते नीचे और ऊपर स्केयर लिख देता हूं मैं. ए का स्केयर एक्स प्लस थ्री प्लस बी का स्केयर एक्स प्लस एट प्लस टू ए बी और इस साइड वाला जो स्केयर है उसको जब मैं ओपन करूंगा तो ये स्केयर एंड रूट कैंसिल, ये फाइव इंटू एक्स प्लस फोर. ये आप लोगों के पास टू एक्स प्लस इलेवन प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स प्लस ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू ये फाइव एक्स प्लस फोर. मैं इन सारी टर्म्स को इस साइड पे ले आता हूं तो 5x minus 2x will get you 3x and 4 minus 11 will get you minus 7 और ये is equal to 2 into under root x square plus 11x plus 24. ठीक है, now what I wanna do as all I have done, मैं इसका दोबारा स्केयर लूंगा, 3x माइनस सेवन होल का स्केयर. अच्छा ये आई थिंक से हो जाएगा 3x एंड थोड़ी सी कैलकुलेशन शायद गलत हो गई है, यहां पे ये 3x प्लस नाइन होल का स्केयर आएगा. वो किस तरह से आएगा, x प्लस थ्री और वो x प्लस एट था वहां पर. ठीक है, तो 8 प्लस थ्री इलेवन और 11 और उस साइड से हमारे पास आना था 20. ठीक है, 5 मल्टीप्लाई हो रहा था तो 20 प्लस 11 माइनस 20 विल गेट यू माइनस का 9 और इधर वो प्लस का 9 था. ठीक है, सो दैट विल गेट यू प्लस 11 माइनस 20 वो इधर आके हो जाता और वो प्लस का 9 3x प्लस 9 हो जाना था. ठीक है, तो दैट विल गेट यू 3x प्लस 9 होल का स्क्वायर और इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 11x और प्लस 24 होल का स्क्वायर. ठीक है, ये वाला इस तरह से हो जाएगा और ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81 प्लस 2ab इज 29 18 एंड 18 3 इज 54x.
इक्वल टू टू, और इसका जब मैं ओपन करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24 इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो तो नहीं आएगा क्योंकि ये हम ऐसे ही चले। ये बाकी आप लोगों के पास जब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 81x प्लस 50, 81 ओनली नॉट x, प्लस 54x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 22x प्लस 48। ये 9x स्क्वायर में से ये 2x स्क्वायर जाएगा तो इट विल लेफ्ट 2x स्क्वायर, लेट मी वे, अच्छा ये 2 का स्क्वायर जब हम लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो ये 4x स्क्वायर और ये 44 आपका, और ये 4 2 8 और 4 4 4 2 8 4 4 16 होता, ये 96 हो जाएगा गालवन, ठीक है। तो 4 4 16 का 60 है 1 ऊपर 96, ये 9x स्क्वायर में से जब 4x स्क्वायर जाएगा तो ये 5x स्क्वायर, और बाकी आपके पास रह जाएगा 81x माइनस 44x इज क्रिएटिंग सम प्रॉब्लम हियर, 54x एंड माइनस 44x, 54x एंड माइनस 44x, माइनस का 10x सॉरी प्लस का 10x, और बाकी आप लोगों के पास 81 माइनस 96, 81 और माइनस 96, यहां पर 96 में से हम कर लेते हैं 81, 6 में से बन गया 5, 9 में से 8 जाएगा तो 1, 15 माइनस का 15 आप लोगों के पास रह जाएगा, ये सारा होके ये ऐसे जीरो रह जाएगा। 5x के प्लस 10x माइनस 15 को आपने सॉल्व करना है, इसके रूट्स नहीं बनेंगे तो हम क्या करेंगे, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में आप लोगों के पास a की वैल्यू क्या बनेगी 5, b की वैल्यू 10, c की वैल्यू माइनस 15, ओके। तो इसके बाद मैं x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4 a एंड c डिवाइडेड बाय 2a, ये लगेगा माइनस 10 प्लस माइनस अंडर रूट 100 और माइनस माइनस प्लस 20 इंटू 15 300 डिवाइडेड बाय 10। अगर मैं ऊपर वाला रेस कर दूं तो आपके पास बाकी रह जाएगा x इज इक्वल टू चाहे 4, ये अंडर रूट 400 हो जाएगा, अंडर रूट 400 किसके बराबर है 20, सो माइनस 10 प्लस माइनस 20 डिवाइडेड बाय 10, तो एक रूट क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 10, जो कि आप लोगों के पास आ जाएगा माइनस 20 माइनस 10 10 बाय 10 जो कि 1 आ जाएगा, 1 हमारे पास एक पहले भी रूट आ चुका है, ठीक है। और इधर से एक आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 10 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 10, तो ये माइनस 30 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा जो कि माइनस 3 रूट आप लोगों के पास आ जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट में आपके तीन निकले, एक 1 था पहले भी निकला, एक अब 1 निकला और फिर 3, और सॉल्यूशन सेट में आप अपने रूट्स को रिपीट नहीं करते तो ये एक दफा ही 1 लिखा जाएगा और दूसरा माइनस 3 रूट लिखा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं हम। एंड देन क्वेश्चन नंबर 9 विल बी द लास्ट फॉर टुडेज लेक्चर। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर है अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 प्लस 3 इंटू अंडर रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 25x प्लस 12। सॉल्व करेंगे इसे,
किस तरह से करेंगे? मैंने कहा दोबारा वो हम कर लेते हैं, लाइक मैं इसके अंदर वाली चीजों को थोड़ा सा वो करूंगा जैसे हमने पहले किया था। ये हो जाएगा अंडर रूट 2x प्लस 1। अच्छा, ये आप लोगों को कैसे पता चलेगा? कोशिश करें, जब ऐसा कोई चीज आती है तो आप उसको करने की कोशिश कर लें, ठीक है। प्लस 3 यानी कि उसको फैक्टराइज करने की ट्राई करें, अगर हो सकता है तो इस तरह से चलें, वरना दूसरी तरह भी चल सकते हैं। अंडर रूट 2x प्लस 1 और इधर भी अंडर रूट के अंदर बन जाएगा 2x प्लस 1 फैक्टराइज करने के बाद और x प्लस 12। अब मैं इस सब में से अंडर रूट 2x प्लस 1 कॉमन ले लूंगा और ये मेरे पास रह जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस 3 प्लस 3 और ये वाली चीज इधर आके माइनस होगी तो अंडर रूट एक्स प्लस 12 और ये इज इक्वल टू 0। मैं इस चीज को टू अंडर रूट 2x प्लस 1 को इज इक्वल टू 0 रख के सॉल्व करूंगा, दोनों साइड्स पे स्केल लूंगा तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और ये मुझे मिल जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 1/2, एक रूट आपको मिल गया, ठीक है। अब आपने इससे ये याद रखना है कि आप लोगों को एक रूट मिला जो कि है x इज इक्वल टू माइनस 1/2, राइट। अब मैं बाकी सारी चीजें रेज कर रहा हूं क्योंकि अब हमने सिर्फ एक चीज को सॉल्व करना है जो कि ये रह गई है। तो यहां से मैं जो देखता हूं तो मेरे पास, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अब हमारे पास जो पहले हम एक तरह से कर रहे थे वो वाला वे आ जाएगा कि मैं लिख सकता हूं, चले हम ऐसे करते हैं अंडर रूट एक्स माइनस 3 माइनस अंडर रूट एक्स माइनस एक्स प्लस 12 और ये इधर जाके माइनस 3। अब मैं दोनों का स्केयर लेता हूं, इसका भी स्केयर और इसका भी स्केयर, ठीक है। ए का स्केयर एक्स माइनस 3 प्लस बी का स्केयर एक्स प्लस 12 माइनस 2 ए बी अंडर रूट में एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 12, ये 12 है, ठीक है, और इज इक्वल टू माइनस 3 का स्केयर 9। ये x प्लस एक्स 2x माइनस 3 प्लस 12 विल गेट यू माइनस 3 प्लस 12 विल गेट यू प्लस 9 और ये माइनस 2 आप लोगों के पास और अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12x विल गेट यू प्लस का 9x और माइनस प्लस माइनस 3 12 36 इज इक्वल टू 9। अगर मैं इन सारी चीजों को थोड़ा सा वो करूं तो ये वाला प्लस 9 इस प्लस 9 से कट जाएगा और 2x इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 36 रह जाएगा। और जब मैं इन सब का दोबारा स्केयर लूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा इसका भी स्केयर और इसका भी स्केयर, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 2 का स्केयर 4 और फिर अंडर रूट खत्म हो जाएगा उस वाले का एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 36। लेट मी रेज द लेटर ऑफ ऑल, तो ये मेरे पास बाकी रह जाएगा 4x स्क्वायर और इस साइड भी 4x स्क्वायर प्लस 49 आर 36x माइनस 436 आर इज 144, ठीक है, इज इक्वल टू उस साइड पे हमारे पास ये वाला 4x स्क्वायर इससे कट गया तो बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा 36x माइनस 144 इज इक्वल टू 0। अब मैं इस सब में से क्या करता हूं, x इज इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाय 36, तो ये आप लोगों के पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। और इससे पहले भी हम एक रूट निकाल चुके हुए हैं तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास दोनों रूट्स आएंगे, एक 4 और एक माइनस 1/2, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 9। अंडर रूट में हमारे पास है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 और फिर प्लस अंडर रूट 6x स्क्वायर
माइनस 11x प्लस 5 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर एंड दिस इज लाइक माइनस का 9x प्लस 4। अच्छा इन सब को मैं लिख सकता हूं लाइक अंडर रूट एक्स माइनस 1 इंटू 3x माइनस 2 फिर प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1 इंटू 6x माइनस 5 और इसको भी मैं लिख सकता हूं अंडर रूट एक्स माइनस 1 इंटू 5x माइनस 4। अच्छा मैं इन सब में से अंडर रूट एक्स माइनस 1 को कॉमन ले सकता हूं, बाकी मेरे पास अंडर रूट 3x माइनस 2 प्लस अंडर रूट 6x माइनस 5 और ये वाला इधर आके माइनस हो जाएगा तो अंडर रूट 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। मैं इस चीज को इज इक्वल टू 0 रख के सॉल्व करूंगा, अंडर रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू दोनों साइड में स्क्वायर लिया तो ये मेरे पास एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और इससे मुझे एक्स इज इक्वल टू 1 एक रूट मिल जाएगा। सो रिमेंबर इट कि हमारे पास एक्स इज इक्वल टू 1 एक रूट है। बाकी जो पार्ट रह गया वो ये वाला रह गया हमारे पास। अगर मैं इसको दोबारा लिखना चाहूं तो ये ऐसे लिखा जाएगा अंडर रूट 3x माइनस 2 प्लस अंडर रूट 6x माइनस 5 इज इक्वल टू अंडर रूट 5x माइनस 4। दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लें तो ये a का स्क्वायर इज 3x माइनस 2 प्लस b का स्क्वायर इज 6x माइनस 5 प्लस 2 इंटू अंडर रूट ए बी। और इधर आप लोगों के पास ये 5x माइनस 4 रह जाएगा। ठीक है तो ये वाला 3x उस साइड पे जाएगा, 5x माइनस 3x विल गेट यू 2x और माइनस 4 और ये वाला एक मिनट रुके 6x प्लस 3x प्लस 6x विल गेट यू, मैं इसको रेज कर रहा हूं इस साइड पे ये 3x और 6x 9x 9 में से 5x जाएगा तो इधर हम ले आते हैं 4x माइनस 2 और माइनस 5 माइनस 7 और ये वाला इधर आके प्लस 4 विल गेट यू माइनस 3 और इस वाले को उधर लेके चल जाए माइनस 2 और अंडर रूट में ये आ जाएगा आप लोगों के पास 3 6 18x स्क्वायर और फिर माइनस का 12x और माइनस का 15x माइनस का 27x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 2 5 10 हो जाएगा। ठीक है इस तरह से आपकी इक्वेशन बन जाएगी 4x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 18x स्क्वायर माइनस 27x। अब दोबारा दोनों साइड से स्क्वायर ले लें, ए स्क्वायर इज 16x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 9 एंड माइनस 2ab 2 4 8 8 8 3 24 इंटू एक्स, ये माइनस 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट वाली चीजें एज इट इज 18x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। लेट मी रेज द अपर वन, तो अब मेरे बारे में इसका थोड़ा सा इवेल्युएट करता हूं कि 16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9 इज इक्वल टू 4 8 4 8 32 और 3 ऊपर 72x स्क्वायर एंड माइनस 4 7 28 के 2 ऊपर 4 2 108x एंड प्लस 4 10 40 तो 72x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर विल गेट यू 56x स्क्वायर
ये अब हम चीजें उस साइड लेके जा रहे हैं, ठीक है, ये वाली चीजें इस साइड। और फिर आप लोगों के पास -108x plus 24x will get you -84x, और फिर आप लोगों के पास +40 और -9 +31 इज इक्वल टू जीरो। जिसकी फैक्टराइजेशन होती है नहीं होगी, तो क्या होगा, हम फॉर्मूला लगाएंगे अपना क्वाड्रेटिक, ए इज इक्वल टू 56, बी इज इक्वल टू -84, सी इज इक्वल टू 31। तो वो क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू -b, माइनस एक पहले ऑलरेडी है उसके अंदर कट हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4a और c डिवाइडेड बाय 2a। ये आ रहा होगा 84 प्लस माइनस अंडर रूट वाली टर्म का जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आप लोगों के पास रह जाएगा ऑलमोस्ट, इट विल बी लेफ्ट लाइक, लेट मी यूज द कैलकुलेटर, 84 का स्केयर आप लोगों के पास आ जाएगा 7056, और माइनस आपने क्या करना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 56 मल्टीप्लाई बाय 3, 601 मिनट। 84 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 56 एंड 31, ओके 6944। तो हम जब इसको करेंगे 7056 माइनस 6944, इट विल लेफ्ट लाइक 112। तो ये अलग के पास अंडर रूट में 112 रह जाएगा डिवाइडेड बाय 2 इंटू 52 6, 12 का 2 इज 1 ऊपर 112 अगेन इन योर डिनोमिनेटर। इसको मजीद सॉल्व करते हैं तो ये आप लोगों के पास अंडर रूट 112 को मैं लिख सकता हूँ 84 प्लस माइनस 4 इंटू अंडर रूट 7, ठीक है, 4 4 16 और 16 7 112 आ जाएगा, और नीचे भी 112 है आप लोगों के पास। और इसमें से मैं अगर कॉमन लूंगा तो 4 कॉमन आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, तो वो रह जाएगा 4 2s are 8 एंड 4 1s are 4 प्लस माइनस अंडर रूट 7 और डिवाइडेड बाय 112। तो ये आप लोगों के पास 4 2s are 8 एंड 4 8s are 32, 21 प्लस माइनस अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाय 28। एक रूट तो आप लोगों के पास ये हो गया और एक रूट हम पहले निकाल चुके हुए, ठीक है, वो रूट आया था हमारे पास 1। तो हमने एक्सरसाइज 4.3 में 3 मेथड से सवाल हल करना सीखा, हर मेथड में मैंने अलग वीडियो बनाई, और आज के जो क्वेश्चन हैं वो भी सारे हमने हल कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह फिर एक्सरसाइज 4.4 को शुरू करेंगे। सो अभी तक के लिए नहीं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मे गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।